सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, ये वीडियो Redmi के फैंस के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इसमें बात करने वाले हैं हम Redmi के एक ऐसे अपकमिंग स्मार्टफोन की जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। तो दोस्तों, यहाँ पर Redmi की जो Note लाइनअप सीरीज है उसमें एक और स्मार्टफोन आने वाला है जल्द ही। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ Redmi Note 10 Pro की। तो दोस्तों, यहाँ पर Redmi ने अपने कुछ टाइम पहले Redmi Note 9 Pro को लॉन्च किया था और अब इसी स्मार्टफोन का सक्सेसर Redmi Note 10 Pro होने वाला है और इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस एक ह्यूज अपग्रेड के साथ आने वाले हैं। तो मित्रों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए पहले ही बता दूं कि ये स्मार्टफोन एक 5G डिवाइस होने वाला है जिसमें आपको 5G इनेबल्ड चिपसेट देखने को मिलेगा। साथ ही इस स्मार्टफोन में आपको और भी बहुत बेहतरीन फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में और, तो देखते रहिए इस वीडियो को बिना स्किप करे हुए, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले इस स्मार्टफोन के फुल स्पेसिफिकेशंस की, साथ ही बात करेंगे कि स्मार्टफोन इंडिया कब लॉन्च होने वाला है और कितनी प्राइस के साथ लॉन्च होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस में, इसकी डिस्प्ले के बारे में। तो दोस्तों, इसमें मिलने वाली आपको एक 6.67 इंच की एक बड़ी डिस्प्ले जो कि एक फुल HD प्लस डिस्प्ले होने वाली है जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज होगा। तो मित्रों, यहाँ पर डिस्प्ले तो इस स्मार्टफोन की बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलने वाली है। साथ ही बात करें इसके डिस्प्ले की डिजाइन की, तो ये फुल्ली बेजललेस डिस्प्ले होने वाली है जिसमें आपको कोई भी कटआउट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगा पॉपअप सेल्फी कैमरा। और जैसा कि इस स्मार्टफोन के अंदर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, तो नो डाउट इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन की मेन हाईलाइट यानी कि इसकी परफॉर्मेंस की। तो मित्रों, यहाँ पर इसमें हमको देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट प्रोसेसर कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 765G। तो दोस्तों, ये चिपसेट डुअल 5G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, ये चिपसेट बहुत ज्यादा पावरफुल है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। रैम और स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको 6GB 64GB 6GB 128GB और 8GB 256GB स्टोरेज देखने को मिलेगा। साथ ही इस स्मार्टफोन में आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 देखने को मिलेगा। कस्टम UI की बात करें तो इसमें आपको MI 12 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो मित्रों, अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरा की। तो दोस्तों, यहाँ पर इसमें आपको पेंटा रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जिसमें 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर होगा और ये एक लेटेस्ट सेंसर होगा जो कि सोनी की तरफ से होगा। और इसमें सेकेंडरी कैमरा 20 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस होने वाला है, वहीं थर्ड कैमरा 16 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस होने वाला है और फोर्थ कैमरा यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर होगा, वहीं फिफ्थ कैमरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा की। तो दोस्तों, यहाँ पर इसमें आपको फ्रंट के अंदर देखने को मिलेगा 44 मेगापिक्सल का AI पॉपअप सेल्फी कैमरा। तो कैमरा तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट देखने को मिलेगा सोनी की तरफ से। तो मित्रों, अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन की बैटरी कैपेसिटी की। तो इसमें आपको देखने को मिलेगी 5000 mAh की एक ह्यूज बैटरी। तो दोस्तों, बैटरी के मामले में तो ये स्मार्टफोन बहुत ही शानदार होने वाला है और इसकी बैटरी आराम से 1.5 से 2 दिन का बैटरी बैकअप दे देगी। और यहाँ पर आपको Redmi Note 9 Pro से काफ़ी बढ़िया बैटरी देखने को मिलने वाली है ऐसे स्मार्टफोन में। साथ ही बात करें इसकी चार्जिंग की, तो मित्रों, यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिलेगी 55 वाट की फास्ट चार्जिंग और यहाँ पर चार्जर आपको इन द बॉक्स ही देखने को मिलेगा। साथ ही इसमें आपको चार्जिंग के लिए टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा और इसमें आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार हैं। और यहाँ पर आपको Redmi Note 9 Pro से काफी ज्यादा अपग्रेड फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं इस स्मार्टफोन में। तो चलिए बात करते हैं इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग क्या होने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पर जिस हिसाब से इस स्मार्टफोन के फीचर्स होने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग इस स्मार्टफोन की प्राइस आराम से 20,000 से ऊपर होने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पर इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 20,000 से 25,000 के बीच में होने वाली है। तो मित्रों, यहाँ पर बात करें इस स्मार्टफोन की लॉन्च डेट की, तो ये स्मार्टफोन 2020 के हाफ एंड तक लॉन्च हो जाएगा इंडिया के अंदर। तो दोस्तों, यदि आप 20,000 के आसपास का कोई स्मार्टफोन लेना चाहते हैं और आपको पसंद है Redmi के डिवाइस, तो आपको इस स्मार्टफोन के लिए जरूर से जरूर वेट करना चाहिए। बाकी आपका क्या कहना है इस स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में कमेंट में जरूर मेंशन कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो के ब्लैक बटन को ब्लू कर दो, साथ ही सब्सक्राइब के बटन को हिट कर दो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।